Doctors, today we'll be discussing molecular orbital theory. This theory was given by Hund and Mulliken in the year 1932. इससे पहले जो थ्योरी आई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट थ्योरी एक्सप्लेन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है. पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ओनली सेम टाइप के बनते हैं. और दैट थ्योरी कुड एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन उसने नेचर ऑफ बॉन्ड नहीं बताया, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनते हैं, या स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं बताया कि ज़्यादा स्टेबल कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, और मैग्नेटिक नेचर भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया. सो तभी नेक्स्ट थ्योरी अराइज की, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. सो इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं. फर्स्ट पॉस्टुलेट इज, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में प्रेजेंट होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, इलेक्ट्रॉन्स अगर एटम्स में होंगे तो एटम्स में उनके मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होती है ज़्यादा होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में. सिमिलरली अगर कभी कोई इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में होंगे तो मॉलिक्यूल में उनके मिलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. नेक्स्ट इज, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और ये कंबाइन करके बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. लेकिन जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड. अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया होगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तीन ने कंबाइन किया होगा तो तीन बनेंगे. और एटॉमिक ऑर्बिटल्स हर तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन नहीं करते हैं. एटॉमिक ऑर्बिटल्स वही वाले कंबाइन करते हैं जिनकी एनर्जी कंपेरेबल है, यानी उनके एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एंड उनकी सिमेट्री प्रॉपर है. अगर प्रॉपर सिमेट्री होगी तभी z एक्सिस में ओरिएंटेड है, y एक्सिस में ओरिएंटेड है, ये चीज़ हमें पता चलती है सिमेट्री से. और उनकी ओरिएंटेशन क्या है, अगर वो प्रॉपरली उनकी एक प्रॉपर सिमेट्री है तभी वो कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे. नेक्स्ट इज, इलेक्ट्रॉन्स अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होता है, दे हैव ओनली इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस. वेयर एज जब इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे तो दे हैव इन्फ्लुएंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियाई. दैट मीन्स जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर पॉलीसेंट्रिक, वेयर एज जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर मोनोसेंट्रिक. नेक्स्ट इज, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट हैव कंबाइंड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उतने ही बनेंगे जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. यानी कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. हाफ ऑफ दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनेंगे दो में से, यानी कि अगर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और जो हाफ ऑफ दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब ये नाम क्यों मिला है, वी नो दैट एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ ए वेव फंक्शन. यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ट्रेवल लाइक वेव एंड एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ ए वेव फंक्शन. वेव फंक्शन जब कंबाइन करती है तो दो तरीके से कंबाइन कर सकती है. जब एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे फॉल करेगा तब हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पे फॉल करेगा वी कॉल इट एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है. एम्पलीट्यूड इज हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के टाइम पर हम इसको ऐसे लिखते हैं, जाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जाय ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट प्लस जाय ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बी, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि साई ए माइनस साई बी, वी कॉल दिस एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है दैट इज डिस्ट्रक्टिव. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, इनकी एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एंड स्टेबिलिटी कम होती है. और इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें न्यूक्लियस के अराउंड निकालना हो तो दैट विल बी मैक्सिमम अराउंड एटॉमिक ऑर्बिटल, जिस तरीके से एटम्स में होते हैं. अगर हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है दैट विल बी अराउंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. सिमिलरली मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉन की
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है तो दैट विल बी मैक्सिमम अराउंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए सारे रूल्स फॉलो होते हैं, ऑफ बो प्रिंसिपल भी फॉलो होगा, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। एंड यहाँ पे हंस रूल भी फॉलो होगा, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, दैट मीन्स पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। एंड यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन लॉ भी फॉलो होगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वॉज कि वन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे और एक क्लॉकवाइज स्पिन, एक की क्लॉकवाइज स्पिन होगी और एक की एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे हमने जो ये वाला लिखा है, यहाँ पे जो इक्वेशन, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा, ये साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन इज इक्वल टू, दिस कैन बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में नोडल प्लेन बनता है एक एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियस के जो है बिटवीन द न्यूक्लियस ज़्यादा नहीं होगी, जबकि अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ज़्यादा होगी। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियाई को ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करता है, तो ये मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मोर स्टेबल इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बाय कन्वेंशन हम मॉलिक्यूल की एक्सेस जेड एक्सेस लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो बन रहा है जब pz और pz ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं। नाउ ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो यहाँ पे जैसे दो नोडल प्लेन बन रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पे और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन इस वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, तो यहाँ पे दो नोडल प्लेन बन रहे हैं। लेकिन जब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, उस केस में नोडल प्लेन एक सेंटर में भी बन रहा है, यानी बिटवीन द न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, और यहाँ पे, यानी कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहाँ पे दो नोडल प्लेन बने, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई तब तीन नोडल प्लेन बने, वन मोर देन दैट इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट, अगर हमने 2px ऑर्बिटल लिया, मॉलिक्यूलर एक्सेस तो जेड एक्सेस है, तो अगर एक्स एक्सेस या 2py ले लें तो वो पैरेलल होगी इसके, सॉरी परपेंडिकुलर होगी, दैट मीन्स ऐसे, और इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी पाई बॉन्ड। तो अगर 2px ऑर्बिटल्स या 2py ऑर्बिटल्स जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है उनमें, तो यहाँ पे न्यूक्लियस के साइड पे जो है नोडल प्लेन नहीं बनेगा, दैट मीन्स सेंटर पे नहीं होगा नोडल प्लेन, यहाँ पे नहीं होगा। बट इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो ऑर्बिटल्स के बीच में एक नोडल प्लेन होगा, यहाँ पे जो है नोडल प्लेन ऐसे बनेगा, लेकिन यहाँ पे नोडल प्लेन सेंटर पे भी बनेगा और एक यहाँ पे भी बनेगा, वन मोर देन दैट इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये होता है 2px और 2py के केस में, ये जो ऑर्बिटल्स हैं दैट आर परपेंडिकुलर टू दी मॉलिक्यूलर एक्सेस जेड एक्सेस। सो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड इज सिमेट्रिक अबाउट बॉन्ड एक्सिस, सिग्मा बॉन्ड इज सिमेट्रिक अबाउट बॉन्ड एक्सिस दैट इज जेड एक्सिस। एंड ये वाले जो बने पाई बॉन्ड आर फॉर्म बाय px एंड py ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कब कब कंबाइन करेंगे, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन इज कि दे मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी, एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। सेकंड, दे मस्ट बी हैविंग सेम सिमेट्री और सिमेट्रिकल होने चाहिए अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस दैट इज जेड एक्सिस, सिमेट्री होनी चाहिए उनकी प्रॉपर। जैसे कि अगर एक pz ऑर्बिटल है जो कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है, और एक py ऑर्बिटल है जो y एक्सिस के अराउंड ओरिएंटेड है, इनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, तो दे मस्ट बी हैविंग सेम सिमेट्री, तभी वो ओवरलैप करेंगे। एंड थर्ड कंडीशन इज दे मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलैपिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी लेवल डायग्राम। सो सबसे पहले हम हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल अगर डायग्राम बनाएं, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन, एटॉमिक नंबर विद 1 एंड 1,
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s1 1s1, दैट मीन्स यहाँ पे 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। हम इसको क्यूबिकल बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे तो s का जो शेप होता है दैट इज स्फेरिकल, s ऑर्बिटल का। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एक की एनर्जी कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s, और एक की एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s। तो दो बने। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए यहाँ पे ओहो प्रिंसिपल भी फॉलो होगा, हंस रूल भी, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी। 1, 2 दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले हंस रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो कम एनर्जी वाला है उसके पास पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहले यहीं पे पेयरिंग होगी देन नेक्स्ट वाले पे जाएगा। तो दो इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो इस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम होगी हाइड्रोजन की। अब इसके लिए हमें निकालना होगा बॉन्ड ऑर्डर, नेचर ऑफ बॉन्ड एंड मैग्नेटिक नेचर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने हैं 2, सो हाफ ऑफ 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 0, सो हाफ ऑफ 2 हाफ ऑफ 2 इज 1। दैट मीन्स हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। सो नेचर ऑफ बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड बन रहा है। और मैग्नेटिक नेचर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड है, दैट मीन्स मैग्नेटिक नेचर इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मीन्स इट इज वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट अगर हम निकालें H2 पॉजिटिव के लिए, तो H2 पॉजिटिव में भी दो हाइड्रोजन के एटम्स इन्वॉल्व्ड हैं, और H2 एक पॉजिटिव है, दैट मीन्स एक एटम जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है, लेकिन इसने क्या एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, सो दिस विल बी 1s0, और यहाँ पे हो जाएगी 1s1। यहाँ पे भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी, देन कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद एनर्जी ग्रेटर देन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 0 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 1, इन्होंने कंबाइन किया, सो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर, हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कितने हैं 1, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 0, दैट मीन्स 0.5। तो H2 पॉजिटिव के बीच में 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। नेचर ऑफ बॉन्ड, दैट मीन्स हाफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। एंड मैग्नेटिक नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट फॉर H2 नेगेटिव। H दो एटम्स कंबाइन करेंगे, एक एटम पर हम ले लेते हैं चार्ज नेगेटिव, बिकॉज दिस इज H2 नेगेटिव। एटॉमिक नंबर 1, इस हाइड्रोजन का भी 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम की इसके लिए 1s, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, सो 1s2, और इसके लिए 1s1। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे, एक की एनर्जी कम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक की एनर्जी ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 2, 1, 2, और यहाँ पे 1, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले यहीं पे फिल होगा 1, 2, देन नेक्स्ट वाले पे जंप करेगा 3। तो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें, हाफ ऑफ बॉन्डिंग दैट इज 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग दैट इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, एंड 1 का हाफ इज 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। और इसका नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा आ रहा है, हाफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर इज पैरामैग्नेटिक। तो अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखें तो इसके लिए भी 0.5 आया है, 1, इसके लिए भी 0.5, इसके लिए भी 0.5, लेकिन इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर इज 1। दैट मीन्स H2 इज मोर स्टेबल देन H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्या पता चलता है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी, सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। एंड दिस वैल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, दैट विल बी मैक्सिमम फॉर ए मॉलिक्यूल विद ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम, और सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे कम। एंड बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, ट्रिपल बॉन्ड छोटा होगा, डबल बॉन्ड थोड़ा सा लंबा होगा, सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा लंबा होगा। एंड बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी ट्रिपल बॉन्ड का जो मॉलिक्यूल होगा, ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल, वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू डबल एंड सिंगल बॉन्डेड। नेक्स्ट वील बी ड्राइंग एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हीलियम 2।
हीलियम टू में मॉलिक्यूल में दो हीलियम के एटम्स इन्वॉल्व होंगे, एटॉमिक नंबर 2 और 2। इसकी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2 और इसके लिए भी 1s2। तो यहाँ पे 1s के दो इलेक्ट्रॉन्स ने कंबाइन किया, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन्स ने, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक जिसकी एनर्जी दोनों से कम है, सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक जिसकी एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हंस रूल भी फॉलो होगा, पहले यहीं पे पेयरिंग होगी, देन नेक्स्ट वाले पे जंप करेगा, 4 है, सो 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लिखें बॉन्ड ऑर्डर, हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 2 एंड एंटी बॉन्डिंग इज ऑल्सो 2, सो 2 - 2 = 0। दैट मीन्स नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन हीलियम, कोई भी बॉन्ड नहीं बन रहा है, जब बॉन्ड ही नहीं बन रहा है तो दिस मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, दैट मीन्स हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट। सब हम एनर्जी लेवल डायग्राम कंस्ट्रक्ट करें, जब 2p ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो जाएं उस टाइम पे कुछ इस तरीके से होता है। इनको अगर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को अरेंज करें तो 1s ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जब होगी, यानी 1s ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तब दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक जिनकी एनर्जी कम है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एक जिनकी एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा है यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2s के लिए भी सेम ऐसे ही होगा, और जब 2p के तीन ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूलर एक्सिस होती है जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो बॉन्ड बनता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा 2pz और जो बाकी px और py जो बॉन्ड बनाते हैं वो पाई बॉन्ड होता है, सो पाई 2px एंड पाई 2py। जब कार्बन और नाइट्रोजन के केस में पी ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो ऑर्डर होता है 1, 2, 1, 2, दैट मीन्स सबसे कम एनर्जी होती है पाई 2px और पाई 2py ऑर्बिटल्स की, उससे ज़्यादा सिग्मा 2pz ऑर्बिटल्स की, उससे ज़्यादा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py की, और सबसे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लेकिन जब अगर हम यही एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करें ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन के केस में, नियॉन के मॉलिक्यूल के केस में, तब ऑर्डर होता है 1, 2, 2, 1, दैट मीन सबसे कम एनर्जी सिग्मा 2pz की, उससे ज़्यादा पाई 2px की, पाई 2py की, उससे ज़्यादा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सबसे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2pz। तो नॉर्मल मॉलिक्यूल के केस में 1, 2, 1, 2, लेकिन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन के केस में 1, 2, 2, 1। If we write electronic configuration for a molecule of oxygen, so oxygen का जो molecule है दो oxygen के atom से बना है, O and O. Oxygen का atomic number is 8, oxygen का atomic number is 8. Electronic configuration 1s2, 2s2, 2p4 और इसके लिए भी 1s2, 2s2 and 2p4. एंड इसके लिए ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो p वाले ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ऑर्डर होता है 1, 2, 2, 1। दैट मीन्स सबसे कम एनर्जी सिग्मा 2pz की और सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz की। अब इसके पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिल कर लेते हैं, 2, 2 और 4, 1, 2, 1, 2 और यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे भी सिमिलरली ऐसे ही फिल होगा, 2 और 2 यहाँ पे और यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चार इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, पहले यहीं पे फिल होंगे फिर नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में फिल होंगे, यहाँ पे पहले यहीं पे फिल होंगे फिर नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में, 4 और 4 8 में पहले यहीं पे फिल होंगे 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे फिल हुई इस वाले लेवल पे, फिर नेक्स्ट वाले लेवल पे 7 और 8। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर, हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग में कितने 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9 और 10। सो 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग में कितने 2, 2, 4, 5 और 6, सो 10 - 6 = 4, 4 का हाफ इज 2। सो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। एंड इसका नेचर कैसा है, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन का मैग्नेटिक नेचर इज पैरामैग्नेटिक। और अगर हम इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, सो पहले सिग्मा 1s में फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स 2, देन सिग्मा स्टार 1s में फिल होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सिग्मा 2s में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सिग्मा स्टार 2s में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सिग्मा 2pz में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी 2 इलेक्ट्रॉन, देन पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन और इसी के साथ साथ फिल होंगे पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स,
देन नेक्स्ट फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की पाई स्टार 2px में, और इसी के साथ फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की पाई 2py में, दोनों में एक और एक इलेक्ट्रॉन. सो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. अगर हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के आयंस के लिए देखें, फॉर एग्जांपल जैसे O2 पॉजिटिव और O2 2 पॉजिटिव, देन O2 नेगेटिव में देखें और फिर O2 2 नेगेटिव में देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम. वी वेरी वेल नो यहाँ पे पी ऑर्बिटल जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं तो ऑर्डर विल बी 1-2-2-1 सिर्फ फ्लोरीन ऑक्सीजन और नियॉन के केस में, बाकी केसेस में 1-2-1-2 ऑर्डर होता है. तो यहाँ पे O2 पॉजिटिव के लिए पहले दो ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन करेंगे. ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर इज 8. यहाँ पे एक पॉजिटिव है यानी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. यहाँ पे 1s2, 2s2 एंड 2p3 हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन, और यहाँ पे 1s2, 2s2 एंड 2p4 हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन. 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3, 1, 2, 3. यहाँ पे 1s में दो हैं, 2s में दो हैं और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 एंड 4. अब ये कंबाइन करें, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3 एंड 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. सो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग. बॉन्डिंग कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 आर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग कितने? 1, 2, 3, 4 एंड 5. 10 - 5 is 5. 5 का हाफ इज 2.5. सो बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2 पॉजिटिव इज 2.5. नेक्स्ट अगर हम O2 2 पॉजिटिव के लिए देखें तो यहाँ पे O2 2 पॉजिटिव का मतलब दोनों ऑक्सीजन को पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बोथ आर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन. अगर हम इसके लिए इसको लिखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने बच जाएंगे? दैट मीन्स 3. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी? 1s2, 2s2 एंड 2p3. तो यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. यहाँ पे भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. कंबाइन करें, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3 एंड 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. यहाँ पे अगर हम निकालें बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग. बॉन्डिंग कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग आर हाउ मच? 1, 2, 3, 4, ओनली 4. सो 6 का हाफ इज 3. तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है O2 2 पॉजिटिव के केस में? 3. नेक्स्ट अगर हम देखें O2 नेगेटिव के केस में, यानी एक ऑक्सीजन अगर हम ले लें सिंपल और एक ऑक्सीजन अगर हम ले लें नेगेटिव वाला, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी एटम की 1s2, 2s2 एंड 2p4, और यहाँ पर हो जाएगी 1s2, 2s2 एंड 2p5 बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इट इज गेनिंग. सो यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में 4, 1, 2, 3 एंड 4. यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5. यहाँ पे 2 एंड 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर कंबाइनिंग. सो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 एंड 5 आर 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. सो यहाँ पर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें इन केस ऑफ O2 नेगेटिव, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 एंड एंटी बॉन्डिंग कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. 10 - 7 आर 3. 3 का हाफ इज 1.5. नेक्स्ट अगर हम निकालें O2 2 नेगेटिव के केस में, एक ऑक्सीजन नेगेटिव है और दूसरा भी ऑक्सीजन नेगेटिव कंबाइन कर रहे हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 एंड 2p5, यानी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5. यहाँ पे भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2p में 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5. 1, 2, 3, 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर कंबाइनिंग. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर कंबाइनिंग. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करें बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 एंटी बॉन्डिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 - 8 is 2. 2 का हाफ इज 1. सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इज 1. सो वी वेरी वेल नो कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी. सो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा, स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा. तो अभी जो हमने निकाला O2 के लिए, O2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 2.0. O2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव के लिए भी लिख लेते हैं, O2 नेगेटिव के लिए भी और O2 2 नेगेटिव के लिए भी. O2 पॉजिटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर इज, फॉर O2 पॉजिटिव द बॉन्ड ऑर्डर वॉज हाउ मच? 2.5. O2 2 पॉजिटिव के लिए इट इज़ 3. इसके लिए 2.5, इसके लिए 3.0.
एंड इसके लिए 1.5 एंड O2 नेगेटिव के लिए 1.0। सो यहाँ से ये सारे बॉन्ड ऑर्डर आ गए। तो यहाँ से पता चलता है सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा O2 2 पॉजिटिव वाला मॉलिक्यूल, उससे कम स्टेबल होगा O2 पॉजिटिव वाला मॉलिक्यूल, उससे कम स्टेबिलिटी होगी किसकी, O2 मॉलिक्यूल की, उससे कम स्टेबिलिटी में आएगा O2 नेगेटिव, और लास्ट में सबसे कम स्टेबल इज O2 2 नेगेटिव, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कंसिडर द केस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन में दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो अगर ये कंबाइन करें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 1s में 2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। 1, 2, 3, 4, 3 and 6, 5 and 6। सो अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें बॉन्ड ऑर्डर, इट विल बी हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन्स आर इन बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग में कितने, 1, 2 and 3, 4। सो 10 minus 4 is 6, 6 का हाफ इज 3, दैट मीन्स नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग। सो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद जा रहे हैं सिग्मा स्टार 1s में, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी एनर्जी इज इक्वल टू पाई 2py, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सिग्मा 2pz में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मच 2। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज क्वाइट स्टेबल क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा आया है। अभी हमने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट किया O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 O2 पॉजिटिव एंड O2 2 पॉजिटिव के लिए। सो इनका हमने बॉन्ड ऑर्डर की ऑर्डर लिख लिया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ अगर हम इनका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखें तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसका होगा, जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स O2 2 पॉजिटिव के लिए। अगर हम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखें तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर सबसे कम होगा O2 2 पॉजिटिव के लिए, इससे ज़्यादा होगा O2 पॉजिटिव के लिए, इससे ज़्यादा O2 के लिए, इससे ज़्यादा O2 नेगेटिव के लिए, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा O2 बॉन्ड लेंथ होगा O2 2 नेगेटिव का। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। नाउ O2 ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। 16 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, 2, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करे दैट मीन्स 15 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2.5, एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है मैक्सिमम, दैट इज 3। और हमने अभी भी देखा नाइट्रोजन के केस में भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 7 एक एटम में होते हैं, 7 2 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स 3 बॉन्ड ऑर्डर। और जब हमने इससे ज़्यादा किया 17 इलेक्ट्रॉन्स किए, तब 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, और 18 इलेक्ट्रॉन्स पर 1 बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ से हम एक शॉर्ट ट्रिक भी याद रख सकते हैं, अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें तो वहाँ से बॉन्ड ऑर्डर भी निकल आएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हुए सो बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, अगर 11 हुए सो 1.5, 12 हुए सो 2.0, 13 हुए सो 2.5, 14 हुए तो मैक्सिमम आता है 3, और फिर इसके बाद डिक्रीज करता है 15 पर 2.5, 16 पर 2.0 एंड 17 पर 1.5, और 18 पर होता है 1.0। सो ये शॉर्ट ट्रिक भी हम याद रख सकते हैं। फॉलोइंग स्पीशीज CN पॉजिटिव, CN नेगेटिव, NO एंड CN, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। सो हमें इनके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। पहला वाला दिया है CN पॉजिटिव, C के लिए एटॉमिक नंबर है 6 और इसके लिए 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p4, सॉरी 2p2, एंड यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p3 होना चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है सो 2p2। हमें स्टार्टिंग वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट वैलेंस शेल वाला लिख के भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे 2p के और 2p के ऑर्बिटल्स 3 एंड 3 मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके 6 ही बनाएंगे। ऑर्डर सिंपली अगर हम ऑर्डर लिखें तो कितना होता है, 1, 2, 1 and 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का ऑर्डर। सो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स कौन कौन से बनते हैं, पाई 2px, दिस इज पाई 2py, दिस इज सिग्मा 2pz, दिस इज पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। सो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2, 2 एंड 2 4 इलेक्ट्रॉन्स मिले, 1, 2, 3 एंड 4।
सो अगर हम यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालें, बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाफ। बॉन्डिंग कितने हैं 4 और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 0। 4 माइनस 0 इज 4, 4 का हाफ इज 2। सो फर्स्ट वाले केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं सी एन नेगेटिव के केस में। फिर से सी एन, इस बार सी एन नेगेटिव लिया है। कार्बन विद एटॉमिक नंबर 6 एंड नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p2 और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p3 होती है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है सो 2p4 हो जाएगी। अब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, सो हम सिर्फ वैलेंस का भी लिख सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन। सो यहाँ पे ऑर्डर फिर से क्या हो जाएगा, 1, 2, 1 एंड 2। सो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4, 1, 2, 3 एंड 4। ये वाला कौन सा बनता है, दिस इज पाई 2px, दिस इज पाई 2py, दिस इज सिग्मा 2pz, दिस इज पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें, सो बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एंटी बॉन्डिंग में दिख रहे हैं कुछ नहीं, 0। सो 6 का हाफ इज 3, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। नेक्स्ट अगर हम लिखा लें सी एन पॉजिटिव के केस में, सी एन पॉजिटिव, सी एन पॉजिटिव के केस में तो हमने निकाल लिया, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं किया था, एनओ, एनओ वाला ऑप्शन कर लेते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के केस में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8। सो नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p3 एंड ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 एंड 2p4। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सिर्फ वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन भी लिख सकते हैं, यानी कि 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 2p में 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, 1, 2, 1, 2। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3 एंड 4, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कितने हैं 6 और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 1। 6 माइनस 1 इज 5 का हाफ, दैट इज 2.5। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में कितना है 2.5। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सी एन, सी एन के केस में भी निकाल लेते हैं कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एंड नाइट्रोजन का 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p2 और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p3। सो p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, पी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, 1, 2, 1 एंड 2। सो यहाँ पे 2 एंड 3 5 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग आर हाउ मच, 5 एंड एंटी बॉन्डिंग आर 0। सो 5 माइनस 5 का हाफ इज 2.5। सो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसके केस में आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 3, दैट इज़ इन केस ऑफ सी एन नेगेटिव। सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। इसका ये तरीका भी है करने का, और वी कुड सिंपली काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्पीशीज सी एन पॉजिटिव, सी एन नेगेटिव, एनओ एंड सी एन, विच आर द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। इसको जैसे हमने एनर्जी लेवल डायग्राम से किया वैसे भी कर सकते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे सी एन पॉजिटिव के केस में कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 एटॉमिक नंबर और इसके लिए कितने होते हैं 7, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सो 6 प्लस 6 विल बी 12, 12 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम निकालें सी एन नेगेटिव के लिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और नाइट्रोजन का 7 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इट इज गेनिंग, सो 7 प्लस 7 इज 14। यहाँ पे आगे 14 इलेक्ट्रॉन। और एनओ के केस में 7 और ऑक्सीजन के लिए 8, 7 प्लस 8 विल बी 15 इलेक्ट्रॉन एनओ के केस में। और सी एन के लिए इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, यहाँ पे हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्लस 6 12 प्लस 1 इज 13। सो 12 पर हमने अभी लिखा था एक ट्रिक, 12 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 2, सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। और 14 पर बॉन्ड ऑर्डर आता है मैक्सिमम, दैट इज 3, सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3। एनओ के केस में 15 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर 2.5 एंड सी एन 13 पर अगेन 2.5। सो बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम कहाँ पर है, सी एन नेगेटिव, ऑप्शन बी। फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, इसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम से भी कर सकते हैं, बट दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, हम इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करें, 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 8 2 16 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। और अगर एनओ पॉजिटिव के लिए काउंट करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका 8 8 माइनस 1, दैट इज 7, 7 प्लस 7 इज 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम देखें सी ए नेगेटिव और सी ओ के केस में, कार्बन विद एटॉमिक नंबर 6 एंड नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इट इज गेनिंग, सो 7
प्लस 7, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए 14, और यहाँ पे कितने आ गए 6 प्लस 8, 14 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट अगर हम देखें नाइट्रोजन और O2 नेगेटिव के केस में, 7 टू ज़ा 14 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने आ गए 8 टू ज़ा 16, 16 एंड 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, सो 17 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अगर हम CO और NO के केस में देखें, कार्बन विद एटॉमिक नंबर 6 एंड ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर 8, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पर नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7 एंड ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर 8, 14 एंड 1 इलेक्ट्रॉन 15। सो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे बराबर होंगे वहीं पे बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा, दैट मीन्स इन ऑप्शन बी। एंड हमने पहले इसके लिए ट्रिक भी पढ़ी थी कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 11 है तो 1.5, 12 है तो 2.0, 13 है तो 2.5, 14 पर मैक्सिमम 13, यानी 14 पर दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3, सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? ऑप्शंस आर फर्स्ट इज CN नेगेटिव, यहाँ पे सिर्फ हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए ही लिखेंगे, वैसे इजी हो जाएगा करना। यहाँ पे 6 एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2, और यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p3 होता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इट इज गेनिंग सो इट विल बी 2p4। सो सिर्फ p वाले के लिए लिखेंगे, यहाँ पे p में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और यहाँ पे p में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 1, 2, 3 एंड 4। सो ये कंबाइन करते हैं, ऑर्डर क्या होता है 1, 2 एंड 4, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो ये कैसा आया है, दिस इज डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सो फर्स्ट वन इज डायमैग्नेटिक, नेक्स्ट ऑप्शन इज NO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, N का एटॉमिक नंबर 7 और इसका 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है सो 2p3। सो यहाँ पे 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे 2p में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ऑर्डर क्या होता है 1, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का 1, 2, 1, 2, 3, 3, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट ऑप्शन इज CO, कार्बन विद एटॉमिक नंबर 6 एंड ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4। फिर से हम लिखेंगे सिर्फ वैलेंस वाले का 1, 2, और यहाँ पे भी वैलेंस वाले में 1, 2, 3 एंड 4। ऑर्डर क्या होता है 1, 2, 1, 2, सो 2 एंड 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, दिस इज अगेन डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट ऑप्शन इज O2 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है बिकॉज O2 एक नेगेटिव लिखा है, सो इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका भी एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4 एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे भी 1s2, 2s2, 2p4 होना चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है सो 2p5। ऑर्डर बताओ 1, 2, 2, 1, बिकॉज ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन आर एक्सेप्शनल केसेस, सो यहाँ पे 4 एंड 5 9 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, दैट मीन्स O2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक, सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस, बॉन्ड एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है और मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो पैरामैग्नेटिक से किस में चेंज हो रहा है, डायमैग्नेटिक में, और दूसरी चीज बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कर रही है। वी वेरी वेल नो कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, सो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, O2 से जब O2 पॉजिटिव में बदल रहा है, O2 का मतलब दो ऑक्सीजन है विद एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4, यहाँ पे भी लास्ट में वैलेंस शेल की लिखे थे 2p4। ऑर्डर क्या होता है 1, 2, 2, 1, ऑक्सीजन का, नियॉन का और फ्लोरीन का एक्सेप्शनल केस है, 4 एंड 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यहाँ पे अगर हम ले देखें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ, और बॉन्डिंग कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, और एंटी बॉन्डिंग कितने 2, 6 माइनस 2, 4, 4 का हाफ इज 2। सो ऑक्सीजन के लिए तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया कितना 2, अगर हम O2 पॉजिटिव के लिए निकालें, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा पॉजिटिव, यानी यहाँ पे 4 से क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते। अब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें कितना आ जाएगा हाफ, बॉन्डिंग कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, और एंटी बॉन्डिंग कितने ओनली 1, 6 माइनस 1 इज 5, 5 का हाफ इज 2.5। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक में चेंज नहीं हो रहा बिकॉज ये भी पैरामैग्नेटिक था, यहाँ पे भी O2 के केस में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे और O2 पॉजिटिव के केस में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, सो बोथ आर पैरामैग्नेटिक, सो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखें C2 से, जब C2 पॉजिटिव में बदल रहा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2, यहाँ पे भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p2, ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, 2, 1, 2, सो 2 एंड 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4,
सो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें, बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाफ बॉन्डिंग 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग 0, 4 का हाफ इज 2, सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2। और ये कैसा होता है नेचर में, डायमैग्नेटिक। लेकिन हमें क्या बताना था, पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक में चेंज हो रहा है, सो सेकंड इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम निकालें, एनओ से एनओ पॉजिटिव में बदल रहा है, सो पहले एनओ का लिख लेते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, यहाँ पे हो जाएगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2 2p3, और यहाँ पे 1s2 2s2 एंड 2p4। सो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, 1 2 1 2, 3 and 4 7, 1 2 3 4 5 6 and 7। ये कैसा आया है, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे निकालें बॉन्ड ऑर्डर, हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, और एंटी बॉन्डिंग कितने 1, 6 माइनस 1 कितना होगा 5, 5 का हाफ इज 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट अगर हम निकालें किसके लिए, एनओ पॉजिटिव के लिए, यानी ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन जब लूज कर रहा है तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, दैट मीन्स उस केस में जो हमने एनओ पॉजिटिव लिखना है वो कैसा आएगा, दैट विल बी डायमैग्नेटिक। और उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं 6, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 0, 6 का हाफ इज हाउ मच 3। सो हमने क्या बताया था, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना चाहिए और पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक में चेंज होना चाहिए, यानी ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज एनओ से एनओ पॉजिटिव में जब चेंज हो रहा है तब बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज कर रहा है और पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक में चेंज हो रहा है। स्पीशीज दैट हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग इज, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक तो तरीका है एनर्जी लेवल डायग्राम बना के, दूसरा तरीका है हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के इस ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 14 जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्ड ऑर्डर इज मैक्सिमम 3 और फिर डिक्रीज करेगा 18 पर मिनिमम आएगा 1, सिमिलरली ऊपर भी डिक्रीज करेगा 10 इलेक्ट्रॉन्स पर बॉन्ड ऑर्डर होता है मिनिमम, दैट इज 1। सो अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए काउंट करें, कार्बन विद एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर 8, 6 प्लस 8 इज हाउ मच 14, सो यहाँ पर आगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। एनओ पॉजिटिव के लिए निकालें, नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 7 एंड ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इट इज लूजिंग, सो यहाँ पर कितना आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14। सो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर जो होगा सेम होगा, सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन फर्स्ट। स्पीशीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर इज, इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं या एनर्जी लेवल डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन 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 विद एटॉमिक नंबर 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, और इसके लिए भी 1s2 2s2 एंड 2p4, एंड ये एक O2 2 नेगेटिव है, यानी दोनों पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, ये दोनों के दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन कर रहे हैं। इसके लिए ऑर्डर क्या होता है, जब 2p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है 1 2 2 1, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन के लिए एक्सेप्शन है 5 and 5 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कितने हैं 6, हम सिर्फ वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स लिख के भी बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं 6, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 4, 6 minus 4 is 2, 2 का हाफ इज 1, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। नेक्स्ट अगर हम देखें बोरोन के केस में, B2, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1, यहाँ पे भी 1s2 2s2 एंड 2p1, सो p ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल है 1 2 1 2, सो 1 2 ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कितने 2 और एंटी बॉन्डिंग कितने 0, 2 का हाफ इज 1। सो फर्स्ट केस में बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, दैट मीन्स ऑप्शन वुड बी ऑप्शन फर्स्ट। ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 टू O2 नेगेटिव आयन, द इलेक्ट्रॉन एड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, सो पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 नेगेटिव आयन में बदल रहा है, एटॉमिक नंबर 8 and 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 एंड यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का ऑर्डर होता है 1 2 2 1, सिर्फ ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन के केस में ऐसा होता है, बाकी सबके केस में 1 2 1 2 होता है। और यहाँ पे हम सिर्फ वैलेंस शेल की लिख के भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड हो रहा है, तो 2p में 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है, दिस इज सिग्मा 2pz, दिस इज पाई 2px, पाई 2py, ये हो जाएगा सिग्मा, दिस इज पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब O2 से जब किस में बदल रहा है, O2 नेगेटिव में, यानी एक ऑक्सीजन पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो 5th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, यहीं पे जाएगा एज पर हंट्स रूल, पहले यहीं पे इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीटली फिलिंग होगी तभी वो नेक्स्ट वाली एनर्जी के ऑर्बिटल पे जंप करेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड हो रहा है, पाई स्टार ऑर्बिटल में, ऑप्शन फर्स्ट।
Diatomic species are listed below. Identify the correct order in which the bond order is increasing in them. सब बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है. पहले NO के केस में निकाल लेते हैं. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p3 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p4. हम सिर्फ वैलेंस शेल का लिख के भी जो है बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं. यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनेंगे 1, 2, 1, 2 ऑर्डर हो जाएगा. 3 and 4 7 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे. 1, 2, 3, 4 5, 6 एंड यहाँ पे चला जाएगा 7. तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, हाफ ऑफ. बॉन्डिंग कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एंटी बॉन्डिंग कितने 1, 6 minus 1 is 5, 5 का हाफ इज 2.5 बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आ गया. नेक्स्ट अगर हम देखें O2 नेगेटिव के केस में, O2 एंड एक पर क्या है नेगेटिव. एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 8 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p4 और यहाँ पे कितनी होती है 1s2, 2s2, 2p5 और ऑक्सीजन के केस में ऑर्डर क्या आ जाएगा 1, 2, 2, 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का. सिर्फ ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में एक्सेप्शन है. 4 and 5, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग. बॉन्डिंग कितने 6 और एंटी बॉन्डिंग कितने 3. 6 minus 3 is 3, 3 का हाफ इज 1.5 बॉन्ड ऑर्डर. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ C2 2 नेगेटिव. C2 2 नेगेटिव बताया, यानी दोनों पर नेगेटिव चार्ज है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 एंड 2p2. एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है सो 2p3. यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल की 2p3. ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, 2, 1 and 2. 3 and 3, 6 इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग. बॉन्डिंग कितने 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने 0. तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3. नेक्स्ट अगर हम देखें हीलियम 2 पॉजिटिव के केस में, हीलियम 2 एंड एक पर क्या है पॉजिटिव चार्ज. हीलियम विद एटॉमिक नंबर 2, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करे सो 1s1. यहाँ पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, दो 1s ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करेंगे 2 and 1, 3 1, 2 and 3. इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं 2 और एंटी बॉन्डिंग कितने 1. तो 2 minus 1 तो 1, 1 का हाफ इज 0.5. तो बॉन्ड ऑर्डर जो है सबसे कम, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो सबसे कम किसका है, HE2 पॉजिटिव का. इससे ज़्यादा किसका है 1.5, दैट इज़ O2, दैट इज़ इन केस ऑफ O2 नेगेटिव. इससे ज़्यादा किसका है 2.5, दैट इज़ इन केस ऑफ NO. और सबसे ज़्यादा किसका है 3, दैट इज़ इन केस ऑफ C2 2 नेगेटिव. सेम ऑर्डर कहाँ पे फॉलो हो रहा है, दैट इज़ इन ऑप्शन D. वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक. फर्स्ट ऑप्शन इज CO2 एंड NO2. कार्बन विद एटॉमिक नंबर 6 एंड ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर 8. 8 2 is 16. 16 plus 6 is 24 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर आ जाएंगे 7. 8 2 is 16. 16 plus 7 is 23 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट इज NO2 नेगेटिव एंड CO2. CO2 के लिए भी हमने निकाला 24 और NO2 के लिए कितना निकाला 23 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इट इज गेनिंग सो 24. सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. स्पीशीज डज नॉट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म. दैट मीन्स हमें वो वाला स्पीशीज बतानी है दैट एग्जिबिट डायमैग्नेटिज्म. फर्स्ट ऑप्शन इज N2 पॉजिटिव, यानी दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज. एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p3. यहाँ पे भी यही आएगी 1s2, 2s2, 2p. एक इलेक्ट्रॉन लूज करे सो 2p2. हम सिर्फ वैलेंस शेल का लिखेंगे, वहाँ से भी हम बता सकते हैं पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक नेचर. नाइट्रोजन के केस में ऑर्डर विल बी 1, 2, 1, 2. सो 3 and 2, 5. 1, 2, 3, 4 and 5. दिस इज एग्जिबिटिंग पैरामैग्नेटिज्म. सो फर्स्ट इज नॉट द ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन बी, O2 नेगेटिव. दैट मीन्स दो ऑक्सीजन है एंड एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है. एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p4. यहाँ पे भी हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p4 होना चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है सो 2p5. और ऑक्सीजन के केस में ऑर्डर क्या होता है 1, 2, 2, 1. सिर्फ ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के केस में ऑर्डर चेंज होता है. 4 and 5 is 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. दिस इज ऑल्सो एग्जिबिटिंग पैरामैग्नेटिज्म. सो नेक्स्ट देखते हैं CO, कार्बन विद एटॉमिक नंबर 6 एंड ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर 8. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p2 एंड यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p4. सो इसके केस में ऑर्डर विल बी 1, 2, 1 and 2. सो 2 and 4, 6 इलेक्ट्रॉन्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिस इज एग्जिबिटिंग डायमैग्नेटिज्म. सो डायमैग्नेटिज्म कौन एग्जिबिट कर रहा है, ऑप्शन सी. नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन O2 2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज. यहाँ पे मैं टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बताने
तो पहले लिख लेते हैं O2 2 नेगेटिव का मतलब टू ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन कर रहे हैं और दोनों पे चार्ज नेगेटिव एंड नेगेटिव एंड एटॉमिक नंबर 8 and 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होती है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है सो 2p5। यहाँ पे भी 1s2 2s2 2p5। तो पहले यहाँ पे 1s ऑर्बिटल जो है विद इलेक्ट्रॉन 2 ये कंबाइन करेगा 1s इलेक्ट्रॉन विद 2 ऑर्बिटल। यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक सिग्मा 1s बॉन्डिंग और एक सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे भी दो और यहाँ पे भी दो, 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पे होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे 2s में कितने इलेक्ट्रॉन से 2, ये भी कंबाइन करेगा विद 2s जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन से 2। दो तरह के ऑर्बिटल्स बनेंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। पहले सिग्मा 2s में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे हाउ मच, 2, 1 2, कितने बच गए 2, सो 3 4। नेक्स्ट इज 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 4, 1 2 3 4। यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 and 4। ऑर्डर क्या होता है, 1 2 2 1। ऑक्सीजन के केस में यही ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे जो ये वाला होता है, ये वाला कौन सा बनता है, दिस इज सिग्मा 2pz, ये क्या बनता है पाए 2px पाए 2py। ये वाला हो जाएगा पाए स्टार 2px पाए स्टार 2py और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। 5 and 5, यहाँ पे 5 थे ना, बिकॉज एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करें, 5 and 5 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सो अब हमने बतानी है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो एंटी बॉन्डिंग वालों को काउंट करने हैं 4 5 6 7 and 8। सो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन से पेयर कितना बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक हम सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देख के भी बता सकते हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन के केस में अगर देख लें, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन विद एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। सो यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, 1 2 1 and 2, 2 and 4 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 and 6, ये क्या है, डायमैग्नेटिक। सो दिस इज नॉट पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन फर्स्ट इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखें Cn- के केस में, C विद एटॉमिक नंबर 6 एंड N विद एटॉमिक नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है वैसे, बट यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 2 1 2। सो 2 and 4 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या आ गया, डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, O2 2 नेगेटिव, दैट मींस दोनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, एटॉमिक नंबर 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 एंड यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। एंड ऑर्डर क्या होता है, ऑक्सीजन नियॉन और फ्लोरीन के लिए ऑर्डर होता है 1 2 2 and 1। 4 and 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, सो 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ये कैसा आ रहा है, पैरामैग्नेटिक, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। सो द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट हैज़ ए बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0, यानी बॉन्ड ही नहीं बनेगा उसके बीच में, तभी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हीलियम मॉलिक्यूल, वेयर 2 हीलियम एटम्स आर इन्वॉल्व विद एटॉमिक नंबर 2 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 and 1s2। 1s2 के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे एंड दिस विल बी फॉर्मिंग 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक जिसकी एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4। सो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कितने 2 एंड एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स हीलियम 2 डू नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन वुड बी ऑप्शन फर्स्ट। द फॉलोइंग डायटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैज ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन BE2, यहाँ पे सिर्फ बेरिलियम के एटम्स एग्जिस्ट करेंगे विद एटॉमिक नंबर 4 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 1s2 2s2। सो यहाँ पे पहले 1s के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4। नेक्स्ट इज ऑफ 2s के ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं और 2s के ऑर्बिटल्स भी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे तो सिग्मा में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे, सिग्मा स्टार, सो दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4
1s2, 2s2, 2p4. सो हेयर ऑल्सो 1s के दो ऑर्बिटल्स, 1s के दो ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ए सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग ए सिग्मा स्टार 1s, 1 2 3 4, 1 2 3 4. नेक्स्ट इज 2s, 2s में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में दो इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म्ड, 1 2 3 4. नेक्स्ट इज 2p, 2p में फोर इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 एंड 4 पे भी 2p कंबाइन करेगा, 1 2 3 4. ऑर्डर ऑक्सीजन के लिए होता है 1 2 2 1, ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन के लिए 4 एंड 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सो हेयर सिग्मा में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दिस इज पाई, दिस इज पाई, दिस इज पाई, दिस इज पाई, पाई में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सो बी इज ऑल्सो नॉट दी ऑप्शन. नेक्स्ट इज ऑप्शन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2 एंड 2p3. वी कैन ऑल्सो राइट ओनली द वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन, उससे भी आ जाएगा. 1s में दो इलेक्ट्रॉन्स से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, 1s वाले दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 1 बॉन्डिंग एंड 1 एंटी बॉन्डिंग. 4 है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट इज 2s, 2s के लिए भी सेम होगा, यहाँ पे तो पाई ऑर्बिटल्स बनते नहीं है, सिग्मा ही बनेंगे, 1 2 1 एंड 2 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म्ड, 1 2 3 4 1 2 3 4. नेक्स्ट इज 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1 2 3 एंड 1 2 3. यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, 1 2 1 2, 3 एंड 3 6, 1 2 3 4 5 एंड 6. सो हेयर पाई में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड सिग्मा में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो सी इज ऑल्सो नॉट द आंसर. नेक्स्ट इज ऑप्शन सी विद एटॉमिक नंबर 6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p2, एंड हेयर ऑल्सो 1s2, 2s2 एंड 2p2. यहाँ पे पहले 1s के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, 1s 1s, दो इलेक्ट्रॉन्स, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, 1 2 3 4. ये वाले तो सिग्मा ही बनाते हैं वैसे, तो हम इस वाले को छोड़कर सीधा पी वाले भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4, ये तो सिग्मा वाले हो गए दोनों. अब नाउ पी वाले ऑर्बिटल्स किस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2. यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, 1 2 1 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट है, पाई 2px एंड पाई 2py में, लेकिन सिग्मा 2pz में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ पाई ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, ऑप्शन डी, C2. फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 एंड 2p3, 1s2, 2s2, 2p3. अगर हमने सिर्फ पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक देखना है तो हम वैलेंस शेल वाली कॉन्फ़िगरेशन से भी बता सकते हैं. तो यहाँ पर अगर हम देखें, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एटॉमिक ऑर्बिटल में, यहाँ पे भी 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है तो ऑर्डर क्या होता है, 1 2 1 एंड 2. ये कौन सा वाला ऑर्बिटल होता है, पाई 2px, दिस इज पाई 2py, दिस इज सिग्मा 2pz, दिस इज पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2pz. ये ऑर्डर होता है. और यहाँ पे अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 एंड 3 6, 1 2 3 4 5 एंड 6. सो ये तो पैरामैग्नेटिक नहीं है, दिस इज डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. नेक्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन विद एटॉमिक नंबर 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 1s1. एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग, 1 2 1 2. दिस इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक, सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक. नेक्स्ट ऑप्शन इज लिथियम, लिथियम विद एटॉमिक नंबर 3 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1, 1s2 एंड 2s1. हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की भी, वैलेंस शेल वाले की भी लिख सकते हैं. 2s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो यहाँ पे दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी फॉर्म्ड. 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो 2 के लिए 1 2, ये भी क्या आ जाएगा, डायमैग्नेटिक. सो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हम सीधा फोर्थ वाला ऑप्शन लिख सकते हैं, या फिर निकाल लेते हैं ऑक्सीजन के लिए O2, ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4. हेयर ऑल्सो 1s2 2s2 2p4. सो यहाँ पे हम सिर्फ वैलेंस शेल वाली देख सकते हैं,
टू पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, 1, 2, 3 एंड 4, हेयर ऑल्सो 1, 2, 3 एंड 4. ऑक्सीजन के लिए ऑर्डर क्या होता है, 1, 2, 2 एंड हेयर ऑल्सो इट इज 1. 4 and 4 आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. सो हेयर यहाँ पे क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सो दैट इज वाई ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, वेयर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड इट विल बी पैरामैग्नेटिक, सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी. इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ O2, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव एंड O2 2 नेगेटिव. एक तरीका है इसमें हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना के बॉन्ड ऑर्डर निकालें, हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग. एक तरीका है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बताना है ना, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर या बॉन्ड ऑर्डर एक ही बात हुई. तो यहाँ पर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आता है मैक्सिमम 3, फिर अगर हम उससे कम करते जाएं तो बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5 से कम होता रहता है. दिस इज 2. 11 पे बॉन्ड ऑर्डर वुड बी 1.5 एंड 10 पे बॉन्ड ऑर्डर वुड बी 1. 15 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 16 पे बॉन्ड ऑर्डर 2, 17 पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 एंड 18 पे बॉन्ड ऑर्डर 1. तो अगर हम सबसे पहले O2 के लिए फाइंड आउट करें, 8 2 16, 16 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2. नेक्स्ट इज O2 नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 17 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1.5. नेक्स्ट इज O2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 8 2 16, 16 माइनस 1 इज हाउ मच, 15. और 15 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5. नेक्स्ट इज O2 2 नेगेटिव, 16 एंड 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सो 18 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 1. तो अगर हमने ऑर्डर लिखना है डिक्रीजिंग, दैट मींस सबसे ज़्यादा से कम, सो O2 पॉजिटिव का सबसे ज़्यादा है बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी, उससे कम है O2 की, उससे कम है O2 नेगेटिव की एंड सबसे कम है O2 2 नेगेटिव की. सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी. ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीशीज इज, सो बॉन्ड ऑर्डर बताना है. बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक तरीका है कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग के फॉर्मूले से निकालें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें, 14 इलेक्ट्रॉन पे 3 बॉन्ड ऑर्डर, और जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन कम होता रहता है बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5 से कम होता रहता है. 18 पे मिनिमम आता है बॉन्ड ऑर्डर 1 और 10 पे मिनिमम आता है 1. सो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करके निकाल सकते हैं. सबसे पहले यहाँ पे दिया है O2 पॉजिटिव, 8 2 16, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये, सो 16 माइनस 1, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 15. नेक्स्ट है O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव के लिए 8 2 16 प्लस 1, एक इलेक्ट्रॉन जो ये गेन कर रहा है, 16 प्लस 1, 17 इलेक्ट्रॉन आ गए. नेक्स्ट इज O2 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे 8 2 16 और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, 16 माइनस 2 आर 14 इलेक्ट्रॉन्स. सो 15 इलेक्ट्रॉन पे कितना आता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5. 17 पे आता है बॉन्ड ऑर्डर 1.5 एंड 14 पे बॉन्ड ऑर्डर आता है 3. सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की हमने ऑर्डर बताना है इंक्रीजिंग. सो सबसे कम किसके लिए, O2 नेगेटिव के लिए, उससे ज़्यादा है O2 पॉजिटिव के लिए एंड सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2 2 पॉजिटिव के लिए. सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. ऑर्डर ऑफ 1.5 इज शोन बाय, इसका पहला तरीका है कि हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं और बॉन्ड ऑर्डर निकालें हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग. या सेकंड तरीका है कि हम यहां से इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें और बॉन्ड ऑर्डर बता दें. 14 पे इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, 13 पे 2.5, 12 पे 2, 11 पे 1.5, 10 पे मिनिमम 1. सिमिलरली 14 से जब हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स तब भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, 18 पे 1 आएगा. तो सबसे पहले O2 पॉजिटिव के लिए अगर निकाल लें तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8 × 2 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज लॉस, 16 माइनस 1 इज 15, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है. O2 नेगेटिव में कितने होते हैं, 8 2 16 प्लस 1, 17 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है. नेक्स्ट O2 2 नेगेटिव, 8 2 16 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, 18 आ गए यहाँ पे. एंड नेक्स्ट इज O2 8 2 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो 15 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 2.5. 17 पे बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5. 18 पे बॉन्ड ऑर्डर आता है 1 एंड 16 पे बॉन्ड ऑर्डर आता है 2. तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए, O2 नेगेटिव, ऑप्शन बी. फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉन्ड लेंथ, सो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ निकालनी है, हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे. वाई, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम. सो हमें मिनिमम बतानी है, दैट मीन्स मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे किस में आ रहा है. तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे, उससे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है. O2 पॉजिटिव के लिए 8 2 16, 16 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज लॉस्ट, 15. यहाँ पे कितने, 8 2 16 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज गेन्ड, यहाँ पे आगे 17. 8 2 16, 16 प्लस 2, यहाँ पे कितने आगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स. 8 2 यहाँ पे कितने, 16 इलेक्ट्रॉन. 15 इलेक्ट्रॉन्स पे बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5. 17 इलेक्ट्रॉन्स पे बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5. 18 इलेक्ट्रॉन्स पे बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.0 एंड 16 पे बॉन्ड ऑर्डर आता है 2. तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसके केस में, O2 पॉजिटिव, ऑप्शन फर्स्ट.
स्पीशीज ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर आर नोटेड बिलो विच आर द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन. सो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है O2 नेगेटिव ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, एटॉमिक नंबर 8 इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2 एंड 2p4. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सो 1s2, 2s2, 2p5. सो p के इलेक्ट्रॉन से हम लिखेंगे, वहाँ से भी हमें मैग्नेटिक नेचर पता चल जाता है. 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5. यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, 1, 2, 2, 1, जिस ऑर्डर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं. 4 and 5 are 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. दिस इज वॉट, दिस इज पैरामैग्नेटिक. लेकिन यहाँ पे बहुत डायमैग्नेटिक लिखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज ऑप्शन बी. यहाँ पर एक में दिया है ओ पॉजिटिव. ओ पॉजिटिव में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2 एंड 2p4. यानी पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, और एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, सो यहाँ पे हो जाएंगे 3. 1, 2, 3, दिस इज पैरामैग्नेटिक. सो यहाँ पे तो ये पैरामैग्नेटिक है. नेक्स्ट अगर हम निकालें O2 2 नेगेटिव के लिए, सो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, O2 2 नेगेटिव, दोनों पर नेगेटिव चार्ज, एटॉमिक नंबर 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है. यहाँ पे भी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p5, और यहाँ पे पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे भी पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4 and 5. ऑर्डर क्या होता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, 1, 2, 2, 1, 5 and 5, 10. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. बट दिस इज वॉट, दिस इज डायमैग्नेटिक. सो बी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज वॉट, O2 पॉजिटिव. ऑप्शन सी इज O2 पॉजिटिव एंड O2, जस्ट O2. सो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, पहला हम पॉजिटिव वाला देखें तो पॉजिटिव विद एटॉमिक नंबर 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सो यहाँ पे हो जाएगा 2p3. ऑर्डर क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, 1, 2, 2, 1, 4 and 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. दिस इज वॉट, दिस इज पैरामैग्नेटिक. नेक्स्ट अगर हम देखें सिर्फ O2, जस्ट O2, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4. यहाँ पे भी क्या हो जाएगा लास्ट में, 2p4. और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ऑर्डर क्या बनता है, 1, 2, 2, 1, 4 and 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. शीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन. फर्स्ट इज ऑप्शन BE2 पॉजिटिव. बेरिलियम विद एटॉमिक नंबर 4 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2. हेयर ऑल्सो इट इज 1s2, 2s2. यहाँ पर हमें बस बॉन्ड ऑर्डर निकालना है. वहीं से पता चलता है अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, दैट मीन्स दैट स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट. तो यहाँ पर हम सिर्फ वैलेंस शेल का भी लिख सकते हैं. दिस इज सिग्मा 2s, दिस इज सिग्मा स्टार 2s, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग. बॉन्डिंग कितने 2 और एंटी बॉन्डिंग कितने 2. सो 2 - 2 इज 0, दैट मीन्स BE2 डज नॉट एग्जिस्ट. हमने पहले BE2 का निकाल लिया, BE2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम था, सो BE2 डज नॉट एग्जिस्ट. ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर. टू MO थ्योरी, विच आर द लिस्ट रैंक्स द नाइट्रोजन स्पीशीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर. सो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है यहाँ पे, एक तो तरीका एनर्जी लेवल डायग्राम बना के निकालना, दूसरा तरीका है हम जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें, वहाँ से भी हमें बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाता है. 14 पे बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम आता है 3, 13 पे कम होता रहता है 2.5, 12 पे 2, 11 पे 1.5 एंड 10 पे 1. सिमिलरली 15 पे 2.5, 16 पे 2, 15 पे 1.5 एंड 6, 16, 17 पे 1.5 एंड 18 पे 1. सो यहाँ पे पहले हम देख लें N2 2 नेगेटिव का दिया है. नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7, 7 2s are 14, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज गेन्ड, 16 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. 16 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2. नेक्स्ट इज N2 नेगेटिव. नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7 × 2, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज गेन्ड, 15 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. 15 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5. नेक्स्ट इज N2 नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7, 7 2s are 14, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3. सो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, सो छोटे से बड़ा, दैट मीन्स N2 2 नेगेटिव, देन N2 नेगेटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा N2 का. सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन फर्स्ट. ऑक्सीजन आर कन्वर्टेड इन टू मोनोकैटाइन्स N2 पॉजिटिव एंड O2 पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट. सो पहले हम नाइट्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से डायग्राम बना लेते हैं. नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3. हेयर ऑल्सो 1s2, 2s2 एंड 2p3. सो पहले 1s के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, देन 2s के एंड लास्ट में 2p के ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे.
सो 1s के ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, सो यहाँ पे 2, 4, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी 2s के ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो यहाँ पे बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, एंड यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है नाइट्रोजन के केस में, 1, 2, 1, 2, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन से 1, 2, 3, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन से 1, 2, 3, सो 3 and 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, सो नेक्स्ट अगर हम देखें N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है ये, जब N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा बिल्कुल सेम होगा एज इट इज़, लेकिन जस्ट यहाँ पे क्या होगा, एक नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे आउटर शेल कॉन्फिगरेशन 2p3 होगी और यहाँ पे होगी 2p2, तो यहाँ पे 2p3 होगी तो 3 इलेक्ट्रॉन्स p में, यहाँ पे 2p2 होगी तो p में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑर्डर क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बनने का, 1, 2, 1, 2, 3 and 2, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4 and 5, तो ये हो गया N2 पॉजिटिव के लिए। नेक्स्ट हम बना लेते हैं किसके लिए, O2 एंड O2 पॉजिटिव के लिए भी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, O2 में 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, एटॉमिक नंबर 8 and 8, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, हियर आल्सो 1s2 2s2 2p4, सो अगर हम सिर्फ वैलेंस शेल का भी लिखें तो भी हम बता सकते हैं, या फिर अगर हम पूरा लिखें तो आ जाएगा यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, कंबाइन करें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे दो बॉन्डिंग में एंड दो एंटी बॉन्डिंग में, एंड 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और इस वाले एटम में भी 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, ये भी कंबाइन करेंगे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 1, 2, 3, 4, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है 2p में, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3 and 4, यहाँ पे 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3 and 4, ये कंबाइन करें, ऑक्सीजन के केस में ऑर्डर कितना होता है, 1, 2, 2, 1, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन के केस में 4 and 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, ये कैसा आया है, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट अगर हमें निकालना हो O2 पॉजिटिव के लिए, यानी एक ऑक्सीजन एज इट इज, लेकिन दूसरे ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p4 और यहाँ पे 2p3, ऑर्डर क्या होता है ऑक्सीजन के लिए, 1, 2, 2, 1, 4 and 3, 7, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 and यहाँ पे 7, सो 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1, 2, 3, यहाँ पे 3 थे, सो यहाँ पे इस तरीके से ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज O2 पॉजिटिव में पैरामैग्नेटिज्म इज डिक्रीजिंग, ये भी पैरामैग्नेटिक था, ये भी पैरामैग्नेटिक था, लेकिन पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज कर रहा है क्योंकि यहाँ पे पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ फॉर्मूला होता है n n+1, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म भी उतना ही ज्यादा, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन इज N2 पॉजिटिव बिकम्स डायमैग्नेटिक, ये क्या कैसा था, डायमैग्नेटिक, लेकिन ये कैसा था, पैरामैग्नेटिक, ये तो पैरामैग्नेटिक आया, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज रॉन्ग, सो ऑप्शन बी। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कन्वर्टेड इनटू मोनो एनायंस N2 नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव रिस्पेक्टिवली, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो नाइट्रोजन जो है N2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है एंड जो ऑक्सीजन है ये O2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, हियर आल्सो 1s2 2s2 2p3, तो अगर हम वैलेंस शेल के ही लिखे तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, 3 and 3, 6, सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का होगा 1, 2, 3, 4, 5 and 6। नेक्स्ट N2 नेगेटिव के केस में एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, 3 and 4, 7, सो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड यहाँ पे भी चला जाएगा एक 7। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑक्सीजन के केस में 2p4, यहाँ पे भी 2p4, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटर होंगे और यहाँ पे 2p4, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सो 2p5, 5 and 4, 9, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन शो करनी है। अब हमने क्वेश्चंस को आंसर करना है, फर्स्ट ऑप्शन इज O2 नेगेटिव में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, वी वेरी वेल नो कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स हमें बताना है कि क्या बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है और नॉट। यहाँ पर अगर हम देखें सो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने 2, 6 - 2 is 4, 4 का हाफ इज 2, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। और O2 नेगेटिव के केस में 4 and 5, 9, सॉरी यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला विल बी, बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाफ ऑफ बॉन्डिंग इज हाउ मच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग इज हाउ मच 3, 6 - 3 is 3, 3 का हाफ इज 1.5, सो 2 से 1.5 में जा रहा है, दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इज डिक्रीजिंग, सो बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजिंग, येस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। N2 नेगेटिव बिकम्स डायमैग्नेटिक, हेयर इट इज डायमैग्नेटिक, हेयर इट इज
पैरामैग्नेटिक. सो एन टू नेगेटिव इज बिकमिंग पैरामैग्नेटिक एंड नॉट डायमैग्नेटिक. सो ऑप्शन बी वुड बी द रॉन्ग आंसर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज रिटन एज सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन. सो बॉन्ड ऑर्डर इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विल बी बॉन्ड ऑर्डर वी वेरी वेल नो हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो हियर बॉन्डिंग में कितने हैं, बॉन्डिंग वाले 2, 2, 4, 2, 6 एंड 2, 8. सो यहाँ पे 8 हो जाएंगे बॉन्डिंग वाले एंड स्टार वाले होते हैं एंटी बॉन्डिंग. सो एंटी बॉन्डिंग वुड बी 2. 8 माइनस 2, 6, 6 का हाफ इज 3. सो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, O2 नेगेटिव, O2, O2 पॉजिटिव और इज इट O2 नेगेटिव. इसका दो तरीके, या तो हम बॉन्ड एनर्जी लेवल डायग्राम बना के बॉन्ड ऑर्डर निकालें हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, या फिर एक और तरीका है शॉर्ट ट्रिक 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3, 13 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5 डिक्रीज करेगा, 12 के लिए इट इज 2 एंड 11 के लिए इट इज 1.5 एंड 10 के लिए बॉन्ड ऑर्डर इज 1, और अगर हम इंक्रीज करेंगे तब भी डिक्रीज करेगा, 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5 एंड 18 के लिए 1. सो यहाँ पे पहले हम अगर O2 नेगेटिव के लिए निकालें, 8 2 16 एंड 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सो 17 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालें O2, 8 2 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे. O2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 2 16 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है, सो दिस इज 15 एंड लास्ट इज O2 नेगेटिव 16, 8 2 16 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज गेन. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 18 है. 17 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 16 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, 15 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5 और 18 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 1. सो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम किस में, सो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर इज इन 2.5 दैट इज O2 पॉजिटिव, ऑप्शन सी.